दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो मैथ्स 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यह जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं यह हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए, आप इसको समझें। क्वेश्चन नंबर एक पह कहता है, प्रश्न क्रमांक एक, यूक्लिड एल्गोरिदम एल्गोरिदम के प्रयोग से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए या फाइंड कीजिए जिसमें जिससे दो संख्याओं 650 तथा 1170 को भाग किया जा सके। तो दोस्तों हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एच सी एफ निकालना है, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। सॉल्व करें तो हमको दिया है, क्या दिया है, संख्या दिया है संख्या 650 तथा 1170। प्रथम चरण, प्रथम चरण इसी को हम स्टेप फर्स्ट भी लिख सकते हैं। आगे मैं स्टेप स्टेप लिखूंगा इंग्लिश में, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और जो भी चरण हमारे सामने आते हैं वो सब हम लिख सकते हैं। दी गई संख्या जहां 1170 बड़ी है 650 से, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा लेते हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेमना इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज जीरो। हमको आर जीरो बनाना है। हम सभी ये ध्यान रखें कि इस सवाल में हमको रिमाइंडर जीरो बनाना है किसी भी हालत में, इसलिए हम अनेक अनेक स्टेप से इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली स्टेप में हमारे पास हम लिख लेते हैं कि इक्वल टू क्या मानेंगे हम 1170, और जो हमारा वी होगा वो हमारा 650 होगा। देखते हैं सवाल को सॉल्व करके, 1170 भागित 650, 650 एकम 650, शून्य, 7 में से 5 गए 2 और 11 में से 6 गए 5। हमारे पास रिमाइंडर 520 बचता है और एक हमारा क्वेश्चन होता है और जिसको भागफल कहते हैं, और 650 डिवीजर होता है जिसको भाजक कहते हैं। हमारे पास ए 1170, बी 650, क्यू 1 और रिमाइंडर हमारा 520 था। अर्थात हमारे पास फिर अभी रिमाइंडर जो कि जीरो नहीं आया है, कितना आया है 520। तो स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड नाउ बी अप्लाई, नाउ बी अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिदम लेमना वेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन 520 इज नॉट इक्वल टू जीरो,
अप्लाई करते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा इसके लिए हो जाएगा 650 बराबर, निकाल के देखते हैं 650 भागित 520, 520 से कम 520, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, तो हमारे पास फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। 520 गुणित 1 धन 130, जहाँ पर हम देखते हैं स्टेप थर्ड, फिर लिखेंगे नाउ वी अप्लाई इक्लिड एल्गोरिदम लेमना वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर 130 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 520 इज ग्रेटर देन 130, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 520 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई 520 130, 130 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 520 आ जाए। हम 130 का दो गुना करें तो 260 आता है, 130 का दो गुना करें 260 आता है, और 260 का हम यदि दुगना करें तो चार बार में हमारे पास 520 आ जाता है, अर्थात यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है चार बार में। चार बार करने में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्लिड डिवीजन, इक्लिड डिवीजन लेमना वी गेट आर इक्वल टू जीरो, सो नंबर्स 650 एंड 1170 एच सी एफ इज 130, ये हमारा आंसर हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, अब अगले अंक में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें।